आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फी। इस बर्फी को मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है, वो भी बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना चाशनी और बिना मिल्क पाउडर के। घर के ही रखे कुछ सामान से आप इसे झटपट बना सकते हैं। तो चलिए बेसन की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ कंचन और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केजे कुक फूड में। बेसन की स्वादिष्ट बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन या कढ़ाई को गर्म करेंगे। पैन गर्म होते ही हम इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ मैं 200 ग्राम घी डाल रही हूँ, ये मेल्टेड घी है। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा एक कप सेट कर लीजिए और उसी कप से एक तिहाई घी डालिए, यानी आधा से थोड़ा ज़्यादा, और गैस की टेम्परेचर को आप लो पर रखिए। घी से बने मिठाई बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप चाहे तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी को हल्का गर्म कीजिए, उसके बाद इसमें बेसन डाल दीजिए। तो बेसन मैं एक कप डाल रही हूँ। वेट में बेसन 250 ग्राम्स यानी कि 250 ग्राम्स है। अब बेसन को घी के साथ अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करना है, यानी कि भूनना है। तो लो फ्लेम पर आप इसे रोस्ट कीजिए जब तक कि गोल्डन कलर ना आ जाए। जितने ही अच्छे से आप इसे रोस्ट करेंगे ना, उतने ही अच्छे टेस्ट आपके बेसन की बर्फी में निकल कर आएंगे। फिर जो है आपको ना मावा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर और ना ही चाशनी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे बर्फी को दानेदार बनाने के लिए मैं 2 टेबल स्पून रावा यानी कि सूजी डाल रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है, यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में चलाकर फाइन पीस लीजिए। इसे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कीजिए। सूजी टोटली ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट आपको दानेदार बेसन की बर्फी चाहिए ना, तो आप इसमें सूजी ज़रूर ऐड कीजिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि बेसन को हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर रहे हैं तो टाइम लगेगा ही। यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट का समय लग जाएगा, बट आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। इसे छोड़कर कहीं भी मत जाइए, नहीं तो बेसन जल जाएगी। अभी बेसन आपको थोड़ा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे बेसन रोस्ट होगा उससे घी रिलीज होने लगेगा और हमारे बेसन के जो मिक्स हैं वो गीले गीले से हो जाएंगे। तब इसी स्टेज पर हम चीनी पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आधा कप चीनी पाउडर डाल रही हूँ। ये मैंने जो आप कप लिए हैं ना, उसी का आधा कप चीनी पाउडर है। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 3/4 कप चीनी भी डाल सकते हैं। तो ना आसान बेसन की बर्फी बनाना, ना चाशनी बनाने की झंझट, ना मावे का। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और टेस्ट में ये तो बहुत ही लाजवाब है। इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कीजिए। फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें और 2-3 मिनट के लिए और रोस्ट कर लें। तो हमारे बेसन के मिक्स पैन को छोड़ रहे हैं और ये डो के रूप में आ गए। इसका सुनहरा खुशबू पूरा घर फैल गया है, मतलब हमारे बेसन के मिक्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रे में थोड़ी सी घी डाल देंगे और इसे ट्रे के चारों तरफ लगा देंगे। यदि आपके पास ट्रे नहीं है तो आप इसे स्टील की थाली या प्लेट में भी जमा सकते हैं। अब बेसन के मिक्स को कर देंगे ट्रे में ट्रांसफ़र और इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स इसकी गार्निश कर देंगे। मैं यहाँ पे किशमिश, बादाम, गेरी और छुहारे से गार्निश कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो इसे हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन की बर्फी अच्छे से सेट हो जाए।
दो घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारे बेसन की बर्फी अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप अपने मनपसंद की साइज में इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इस बर्फी की खास बात यह है कि आप इसे बिना फ्रिज के 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और आप इसे किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। तो मुझे बताइए कि बेसन की बर्फी की रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल केजे कुक फूड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग केजे कुक फूड।